बाइक रिलेटेड ए टू जेड वीडियो देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब खोज इंडिया चैनल और हर एक नया वीडियो का सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए ये बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू खोज इंडिया। मैं हूं चंदन। कैसे हो आप? सब कुछ ठीक ठाक है? तो चलिए आज देखते हैं एक कंपैरिजन। ये दो बाइक 110 सीसी सेगमेंट में है। एक कुछ दिन पहले लॉन्च हुआ था 2018 में और एक पहले से था लेकिन 2018 में अपग्रेड वर्सन शुरू में आया था। तो इन दोनों बाइक्स के बीच बहुत ही कन्फ्यूजन है क्योंकि ऑलमोस्ट सेम टू सेम है। 110 सीसी सेगमेंट में ये दो बाइक है और प्राइस भी नियर अबाउट सेम है, इसीलिए कन्फ्यूजन है। तो चलिए करते हैं एक कंपैरिजन टायर्स एंड व्हील से लेकर अप टू प्राइस तक क्या क्या डिफरेंसेस है मैं आपको बता देता हूँ। और ये जो दो बाइक है, एक है हीरो पैशन एक्सप्लो और दूसरा है होंडा लिवो। चलिए देखते हैं कंपैरिजन। आइए सबसे पहले देखते हैं टायर्स एंड व्हील्स। वैसे कुछ मेजर डिफरेंसेस नहीं है, दोनों में ही आपको सामने और पीछे 18 इंचेस अलॉय व्हील मिल जाएंगे विद ट्यूबलेस टायर। लेकिन जो डिफरेंसेस है ये है व्हील बेस। हीरो पैशन एक्सप्रो इसमें जो व्हील बेस है ये है 1245 mm और होंडा लिवो इसमें जो व्हील बेस है ये है 1285 mm। मतलब व्हील बेस होंडा लिवो में ज्यादा है, तो व्हील बेस के मामले में नो डाउट होंडा लिवो आगे है। और अब देखते हैं सस्पेंशन। वैसे सस्पेंशन वाइज कोई मेजर डिफरेंसेस नहीं है इन दोनों बाइक्स में। सामने टेलीस्कोपिक है और पीछे 5-स्टेप एडजस्टेबल हाइड्रोलिक टाइप स्प्रिंग लोडेड सस्पेंशन है। तो सस्पेंशन वाइज कोई मेजर डिफरेंसेस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम टू सेम है। और अब देखते हैं हार्ट ऑफ द बाइक इंजिन। हीरो पैशन एक्सप्रो इसमें 109.15 cc फोर स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर OAC एयर कूल्ड VS4 सेमी वर्टिकल इंजन इस बाइक में है। और इस इंजन का जो मैक्सिमम पावर है ये है 9.5 PS एट द रेट 7500 rpm और मैक्सिमम टॉर्क 9 Nm एट द रेट 5500 rpm। और होंडा लिवो इसमें 109.19 cc फोर स्ट्रोक एयर कूल्ड VS4 सिंगल सिलेंडर ऐसा इंजन। और HET होंडा इको टेक्नोलॉजी ये बहुत ही पॉपुलर है, ये होंडा इको टेक्नोलॉजी, तो ये टेक्नोलॉजी के साथ ये इंजन है। और इस इंजन का जो मैक्सिमम पावर है ये है 8.31 bhp एट द रेट 7500 rpm और मैक्सिमम टॉर्क 9.09 Nm एट द रेट 5000 rpm। और इन दोनों बाइक्स में 4 गियर्स और इंजन किल स्विच नहीं है, लेकिन सेल्फ और की दोनों स्टार्टिंग मैकेनिज्म एक साथ आपको इन दोनों बाइक्स में मिल जाएंगे। मेजर कुछ डिफरेंसेस नहीं है, लेकिन हीरो पैशन एक्सप्रो में एक फीचर है, ये है i3s, बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही डिमांडिंग, बहुत ही इफेक्टिव टेक्नोलॉजी, मेनली फ्यूल सेविंग टेक्नोलॉजी। i3s ये हीरो पैशन एक्सप्रो में है, जो होंडा लिवो में वैसे नहीं है। लेकिन HET ये भी होंडा इको टेक्नोलॉजी, ये भी एक बहुत ही पॉपुलर टेक्नोलॉजी है, बहुत लोग ये पसंद करते हैं HET टेक्नोलॉजी। तो अगर आप HET के ऊपर विश्वास रखते हो तो होंडा लिवो के साथ जा सकते हो इंजन वाइज।
नहीं तो हीरो विद HGS आप ले सकते हो। ये बहुत ही इफेक्टिव टेक्नोलॉजी है, 487 इफेक्टिव टेक्नोलॉजी है। और आइए आप देखते हैं ब्रेक्स। वैसे दोनों बाइक्स में ही आपको सामने डिस्क ब्रेक और ड्रम ब्रेक दो वेरिएंट मिल सकता है, लेकिन पीछे कोई वेरिएंट नहीं है, पीछे ड्रम ब्रेक ही है। और सामने डिस्क ब्रेक का जो साइज है ये है 240 mm, और अगर ड्रम ब्रेक हो तो ड्रम ब्रेक का साइज है 130 mm। ब्रेक्स में कोई डिफरेंसेस नहीं है, होंडा पेटेंटेड CVS लिगो में नहीं है, तो ब्रेक्स वाइज ऑलमोस्ट सेम टू सेम है, कोई मेजर डिफरेंसेस नहीं है। वैसे 110cc बाइक है, ड्रम ब्रेक इनफ है, लेकिन फिर भी अगर आप लेना चाहते हो तो आई सजेस्ट कि आप डिस्क ब्रेक ऑप्शन के साथ जाइए। डिस्क ब्रेक इज मोर इफेक्टिव देन ड्रम ब्रेक, तो डिस्क ब्रेक ही आप चूज करिए। और आप देखते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, कोई मेजर डिफरेंसेस नहीं है। वैसे होंडा लिबो जो 2017 एडिशन था उसमें फुल्ली एनालॉग था, लेकिन अभी 2018 में एनालॉग के साथ डिजिटल कॉम्बाइंड इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आ गया है। और हीरो पैशन एक्स प्रो, ये बाइक तो रिसेंटली लॉन्च हुआ है फ्रॉम हीरो, तो आपको एनालॉग और डिजिटल कॉम्बाइंड वेरी इफेक्टिव फीचर फुल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको मिल जाएंगे। तो मेजर डिफरेंसेस कुछ नहीं है ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर वाइज, लेकिन लुक्स वाइज आई प्रेफर के हीरो पैशन एक्स प्रो अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रूमेंट कंसोल। मुझे हीरो पैशन एक्स प्रो में जो इंस्ट्रूमेंट कंसोल है ये पर्सनली बहुत ही अच्छा लगा। तो बेसिक कुछ डिफरेंसेस वैसा नहीं है, सेम ही है, लेकिन फिर भी आई पर्सनली लाइक हीरो पैशन एक्स प्रो अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रूमेंट कंसोल। और अब फ्यूल टैंक कैपेसिटी, इसमें डिफरेंसेस है। हीरो पैशन एक्स प्रो इसमें जो फ्यूल टैंक कैपेसिटी है ये है 9.2 लीटर, और होंडा लिबो 8.5 लीटर फ्यूल टैंक कैपेसिटी के साथ है। फ्यूल टैंक कैपेसिटी में डिफरेंसेस है, लेकिन माइलेज में वैसा कुछ डिफरेंसेस वैसा नहीं है। अप्रॉक्सीमेट 55+ अराउंड 60 किलोमीटर पर लीटर माइलेज आपको आराम से मिल सकता है। माइलेज वाइज कोई मेजर डिफरेंसेस वैसा नहीं है, लेकिन ये HGS टेक्नोलॉजी होने के कारण आई थिंक हीरो पैशन एक्स प्रो में माइलेज थोड़ा बहुत बेटर आपको मिल सकता है, लेकिन वैसा कुछ मेजर डिफरेंसेस नहीं है। माइलेज ऑलमोस्ट 60 किलोमीटर पर लीटर आपको एवरेज मिल जाएंगे। और आइए आप देखते हैं सीट वाइज कोई मेजर डिफरेंसेस नहीं है। सिंगल पीस वाइट लॉन्ग कंफर्टेबल वेल कुशन सीट, ये दो बाइक्स में ही है। और जो सीट हाइट है ये है अप्रॉक्सीमेट 790 mm। और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है ग्रैब रेल, इन दोनों बाइक्स में ही है। मैं हर एक वीडियो में आपको ये कहता हूँ कि ग्रैब रेल बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है पीलियन राइडर के लिए, या फिर आप अगर बाइक को हैंडल कर रहे हो तो ग्रैब रेल होना चाहिए। और ये दो बाइक्स में ग्रैब रेल है। वैसे ये फैमिली बाइक है, एक डेली यूज के लिए ये दो बाइक्स है 110cc सेगमेंट में, ये सारे बेसिक फीचर तो होना ही चाहिए, और इन दोनों बाइक्स में आपको ये सारे फीचर मिल जाएंगे। और अब इलेक्ट्रिकल्स, इसमें डिफरेंसेस है। हीरो पैशन एक्स प्रो इसमें आपको बल्ब हेडलैम्प और LED टेल लैम्प है, बहुत ही स्टाइलिश वेल डिजाइन न्यू इम्प्रूव्ड LED टेल लैम्प ये हीरो पैशन एक्स प्रो में है विथ पायलट लैम्प। लेकिन होंडा लिबो इसमें LED टेल लैम्प या बल्ब या कुछ DRL कुछ नहीं है, बल्ब हेडलैम्प और वेरी सिंपल लेकिन ब्राइट एंड प्रोमिनेंट टेल लैम्प बल्ब टेल लैम्प इस बाइक में है। तो LED होना चाहिए टेल लैम्प में। हीरो पैशन एक्स प्रो में मॉडर्न वेल डिजाइन वेरी स्टाइलिश टेल लैम्प है, आपको मिल सकता है, लेकिन होंडा लिबो में ऐसा कुछ नहीं है, प्लेन एंड सिंपल बल्ब हेडलैम्प और बल्ब टेल लैम्प आपको मिल सकता है। और अगर आप थोड़ा इंटीरियर में रहते हो मतलब गांव में, तो ग्राउंड क्लियरेंस एक बहुत ही इफेक्टिव फीचर है, और इसमें डिफरेंसेस है। हीरो पैशन एक्स प्रो इसमें जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये है 165 mm, लेकिन होंडा लिबो इसमें जो ग्राउंड क्लियरेंस है ये थोड़ा ज़्यादा है 180 mm, इसमें डिफरेंसेस है। ऑफ रोडिंग करने के लिए ये ग्राउंड क्लियरेंस ज़्यादा होना चाहिए, होंडा लिबो में 180 mm है, मतलब हीरो पैशन एक्स प्रो से ज़्यादा है। और अब कार्बोइड, इसमें डिफरेंसेस है। हीरो पैशन एक्स प्रो इसका जो कार्बोइड है अप्रोक्सीमेट 117 kg, लेकिन होंडा लिबो इसमें जो कार्बोइड है ये है अप्रोक्सीमेट 111 kg, तो 6 kg अप्रोक्सीमेट कार्बोइड ज़्यादा है हीरो पैशन एक्स प्रो में, तो इसमें ये डिफरेंसेस है। अगर आप लाइट वेट बाइक चाहते हो तो इन दोनों में से होंडा लिबो इज बेटर चॉइस।
नहीं तो हीरो पैशन एक्सपो में कार्ग वेट 6 kg अप्रोक्सीमेट ज्यादा है। और कलर ऑप्शन इसमें वैसे कुछ डिफरेंसेस नहीं है, स्टिकर वाइज बॉडी ग्राफिक्स दोनों बाइक्स में जो बिल्ड क्वालिटी और ग्राफिक्स है स्टिकर क्वालिटी काफी अच्छा है। और 5 color options आपको इन दोनों बाइक्स में मिल जाएंगे, आप कोई भी कलर अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी और योर चॉइस चूज कर सकते हो, ज्यादा या कम कुछ नहीं है, 5 color options आपको इन दोनों बाइक्स में मिल जाएंगे। और आप एक डिसीजन मेकिंग पॉइंट ये है प्राइस, वैसे मेजर डिफरेंसेस कुछ नहीं है लेकिन फिर भी इन दोनों बाइक से आपको फ्रंट डिस्क ब्रेक और फ्रंट ड्रम ब्रेक वेरिएंट मिल सकता है। और हीरो पैशन एक्सप्रो फ्रंट डिस्क ब्रेक वेरिएंट का जो ऑनरोड प्राइस इन कोलकाता है अप्रोक्सीमेट 68,000 rupees ऑनरोड प्राइस इन कोलकाता। और हीरो पैशन एक्सप्रो फ्रंट ड्रम ब्रेक वेरिएंट का जो ऑनरोड प्राइस इन कोलकाता है ये है अप्रोक्सीमेट 64,800 rupees ऑनरोड प्राइस इन कोलकाता। और होंडा लिवो ये भी फ्रंट डिस्क ब्रेक और फ्रंट ड्रम ब्रेक वेरिएंट है और फ्रंट डिस्क ब्रेक वेरिएंट का जो ऑनरोड प्राइस इन कोलकाता है ये है 69,376 rupees डिस्क ब्रेक वेरिएंट ऑनरोड प्राइस इन कोलकाता होंडा लिवो। और होंडा लिवो फ्रंट ड्रम ब्रेक वेरिएंट का जो ऑनरोड प्राइस इन कोलकाता है ये है अप्रोक्सीमेट 66,707 rupees ऑनरोड प्राइस इन कोलकाता। तो प्राइस वाइज वैसे कुछ मेजर डिफरेंसेस नहीं है, ऑलमोस्ट सेम है, अप्रोक्सीमेट 2,000 rupees का डिफरेंसेस है। लुक्स वाइज आपको जो बाइक अच्छा लगे वो आप ले सकते हो, लेकिन आई सजेस्ट के बाइक लेते वक्त आप एक चीज के ऊपर ध्यान दीजिए कि ऑथोराइज्ड सर्विस स्टेशन और शोरूम अगर आपके घर के नज़दीक जिसका भी सर्विस स्टेशन और शोरूम नज़दीक है आपके घर के नज़दीक है वो कंपनी आप प्रीफर करिए, नहीं तो आप सबसे पहले दोनों बाइक से एक बार टेस्ट राइड जरूर लीजिए। वैसे मेंटेनेंस बहुत ही इजी है, स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल है, दोनों बाइक्स का ही रीसेल वैल्यू बढ़िया है, हर एक मैकेनिक ये दो बाइक्स के बारे में जानते हैं, इसके साथ डिसेंट माइलेज आपको दोनों बाइक्स में मिल जाएंगे। तो लुक्स वाइज मेनली और आपके घर के नज़दीक जिस कंपनी का सर्विस स्टेशन और शोरूम है उसी को आप प्रेफर करिए, लेकिन टेस्ट राइड जरूर लीजिएगा। और यही था ये कंपैरिजन, वैसे बिल्ड क्वालिटी और सब कुछ ऑलमोस्ट सेम है इसी प्राइस रेंज के अंदर, ठीक ही है, लेकिन एलईडी टेल लैंप आपको पैशन एक्सप्रो में मिलेगा लेकिन होंडा लिवो में ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस मिलेगा। और रीसेल वैल्यू ठीक ही है, आपको आराम से मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप मुझे पूछेंगे मुझे इन दोनों बाइक्स में कौन सा खरीदना मैं पसंद करता, तो इन दोनों बाइक्स में से अगर मुझे आज की डेट में बाइक खरीदना है तो आई विल गो विथ हीरो पैशन एक्सप्रो, क्योंकि रीसेल वैल्यू इज बेटर देन लिवो और IHS टेक्नोलॉजी ये बहुत ही इफेक्टिव फीचर है, मुझे ये टेक्नोलॉजी बहुत ही अच्छा लगता है। जब भी आप बाइक न्यूट्रल में रखोगे कुछ देर तक उस बाइक ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएंगे, उसके बाद क्लच दबाते ही बाइक स्टार्ट हो जाएंगे, फिर आप राइड कर सकते हो। तो ये टेक्नोलॉजी मुझे बहुत ही इफेक्टिव लगता है, फ्यूल सेविंग टेक्नोलॉजी IHS हीरो ने शुरू में एक दो बाइक्स में दिया था लेकिन अभी ऑलमोस्ट सारे बाइक्स में दे दिया है, आई थिंक आगे जाके स्कूटर में भी आपको ये टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाएंगे IHS। तो इसलिए आई विल गो विथ ये मेरा पर्सनल चॉइस है कि मैं हीरो पैशन एक्सप्रो खरीदना पसंद करूंगा अपने लिए। तो ये था इस वीडियो में, आप मुझे प्लीज़ बताएं कि कौन सा बाइक आपको अच्छा लगा और मैं आगे कोशिश करूंगा बहुत जल्दी एक यूज़र रिव्यू आपको दिखाने के लिए, प्रॉपर माइलेज और प्रोज एंड कॉन्स को लेकर मैं आगे आपको जरूर बताऊंगा, यूजर रिव्यू जरूर आपको दिखाऊंगा। तो इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद है आपको अच्छा लगा, अगर अच्छा लगे तो प्लीज लाइक्स बटन पे दबा दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ये शेयर भी कर दीजिए जितना हो सके। और अगर आप हमें अभी तक फेसबुक या इंस्टाग्राम पेज में फॉलो नहीं कर रहे हो तो प्लीज फॉलो करिए, बहुत सारे अपडेट्स आपको वहाँ मिल जाएंगे। और बहुत सारे हमारा खोज इंडिया फैमिली मेंबर मेरा मोबाइल नंबर चाहते हो तो प्लीज आप मुझे फेसबुक पेज में मैसेज दीजिए, मैं वहाँ पर आपसे डायरेक्ट 1-to-1 बात कर सकता हूँ। और अगर आप पहली बार खोज इंडिया चैनल देख रहे हो और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बाइक रिलेटेड A to Z वीडियो रेगुलरली देखने के लिए
प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए खोज इंडिया, और सब्सक्राइब करने के बाद साइड में जो बेल आइकन है उसे प्रेस करके ऑन रखिए ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूँ आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल जाए। कोई भी वीडियो मिस मत करिए, और बाइक या स्कूटर चाहे कुछ भी लीजिए, लेकिन राइड करते वक्त अपना हेलमेट हमेशा पहन के राइड करिए, और ऐसे वैसे हेलमेट मत लीजिए, हमेशा कोशिश करिए विथ ISI मार्क हेलमेट ही खरीदने के लिए, क्योंकि ये अभी रूल हो गया है विथ ISI मार्क हेलमेट आप खरीदिए अपने लिए। और मैं 2-3 हेलमेट का रिव्यू ऑलरेडी कर चुका हूँ, स्ट्रीट बार्ट का हेलमेट है आपको मिल जाएंगे, प्लीज सर्च करिए वो देखिए, और ISI हेलमेट आप लेने की कोशिश करिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बहुत जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।